नमस्कार, मैं शिहाजी और आप देख रहे थे टेक्निकल ट्रेडमैन। तो अभी जो मेरे पीछे कबोर्ड आप देख रहे हैं, और मुझे तो ये डिजाइन है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, शायद आपको भी पसंद आए। और इसमें कुछ खास मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और साथ ही इसमें बताने वाला हूँ कुछ बनाने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो भी। तो जो लोग नया काम सीख रहे हैं और बनाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए सीखने के लिए है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, दूसरे लोगों को शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके। तो चलिए अभी मैं आपको कबोर्ड है वो दिखाता हूँ, इसमें जो एक खास चीज है वो मैं आपको सबसे अंत में दिखाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा डिजाइन एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये ऊपर में भी ग्रीन है वो पट्टी सीलिंग टच से दी हुई है, फिर ये बीच में ये वाला एक पट्टा है, ये वाला दिया हुआ है, ये दोनों का जो ऊपर का जो लॉफ्ट है उसके और बीच में जो जॉइंट होता है, और फिर इसके बाद में सबसे नीचे ये वाला दिया हुआ है, और इस कटिंग भी इसकी आप देख रहे हैं ये वाली ग्रीन कलर की दी हुई है। तो इस तरह से ये वाला पूरा आप देखिए, ये इस तरह का इसका एकदम से पूरा लुक बनता है नीचे तक। अभी मैं आपको इसके अंदर में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, देखिए ये वाला है, ये ड्रेसिंग के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इसमें मिरर आने वाला है अंदर की साइड में, बाहर की साइड में नहीं आएगा, अंदर में इसमें मिरर आएगा। और इसमें ये वाले जो है आप देखिए, ये अलग अलग इसमें सेल्फ डाल के छोटे छोटे ये वाले हिस्से इसके जो बना दिए गए, और एक बीच में और एक सबसे नीचे ये वाला सेल्फ दिया गया है। आप देख सकते हैं ये वाला जो ड्रॉवर है ये वाला दिया गया है, और एक इसके ये वाला बीच में दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, इधर आपको जो ये 1.5 इंच की ये है ये दी हुई है, ये इसलिए दी हुई है क्योंकि ये दरवाजा खुलता है, तो इधर कम से कम ये 1.5 इंच होना चाहिए, नहीं तो दरवाजा लगने के बाद में ये ड्रॉवर खुलने में यहाँ पे दरवाजे को टच हो जाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो देखिए, मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो साइड है इधर बिल्कुल भी नहीं दिया है, क्योंकि दरवाजा इधर है वो ये वाला बंद होता है तो कोई दिक्कत आती नहीं है, इसलिए इधर नहीं दिया हुआ है। और दूसरी ये साइड में 1.5 इंच इसके लिए दिया हुआ है कि दरवाजा खोलने के बाद में इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये वाली चीज़ें, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं आपको बता दूँ, इसकी हाइट 1 मीटर के आप ऊपर ले सकते हैं, 1 मीटर सेंटर ले सकते हैं, लेकिन 1 मीटर के ये ऊपर ही हाइट इसकी रहती है, ये वाली इसकी स्टैंडर्ड हाइट है। तो जब भी ले इसको 1 मीटर के ऊपर या 1 मीटर सेंटर में इसको ले सकते हैं, ये वाली इसकी स्टैंडर्ड हाइट रहती है। तो इसके नीचे ऊपर ना करें, ये बीच में सेंटर में 1 मीटर में रहता है। और इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो जब भी बनाएं तो ध्यान रखें कि वो 3 फुट, जैसे ये वाला है तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक 3 फुट जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम हैंगर यहाँ पे लगाते हैं, इसमें तो नहीं आगे वाले में हैंगर है वो दिखाता हूँ, तो हैंगर लगाते हैं तो उसके लिए 3 फुट जगह होनी चाहिए। अभी मैं आगे वाला आपको दिखा देता हूँ खोल के, ये देखिए इसमें ये जो हैंगर लगाया हुआ है ये वाला, तो ये वाली जगह यहाँ से है हैंगर के लिए, तो ये यहाँ तक है वो 3 फीट जगह कम से कम होनी चाहिए, 3 से 3.25 फीट जगह होती है तो वो सही रहती है। अब इसमें देखिए ये जो ड्रॉवर है इसके देखिए दोनों तरफ दरवाजे खुलते हैं, तो इधर भी और इधर भी दोनों साइड में 1.5 इंच कम से कम होनी चाहिए, 1.5 इंच से आप है वो 2.25 इंच तक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.5 इंच में आराम से खुल जाते हैं, इसलिए 1.5 इंच ही नॉर्मली इसमें रखते हैं, और वो काफ़ी है 1.5 इंच जगह। और इसमें नीचे ये सेल्फ वगैरह हो गए, तो इसमें ये वाली और कबोर्ड है वो कई बार लोग हैं वो नीचे से लेके मैंने देखे हैं ऊपर 8-8 फीट तक के दरवाजे पूरे सलंग बना देते हैं इतने बड़े। ये वाली हाइट है इसकी 7.25 फीट या मैक्सिमम 7 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, जब भी करें ध्यान रखें 7 फीट से ऊंचा ना करें, क्योंकि उससे ऊपर है वो फिर आदमी को काम में आता नहीं है। इसके लिए इसको जब भी बनाएं तो 7.25 फीट या 7 फीट की हाइट तक ही बनाएं, उसके ऊपर का दूसरा लॉफ्ट जैसे ये बनाया हुआ है दूसरा उसका लॉफ्ट बना दें, तो वो उसमें आराम से डबल काम में भी आ जाएगा, और इजीली जो सामान है वो कभी कभार जो पड़ती है वो ऊपर रह जाएगा, डेली वाला नीचे रह जाएगा। अब इसमें मैं आपको जो सबसे खास चीज़ जो दिखाने वाला हूँ वो आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखिए ज़रा ये वाला होगा, ये जो ड्रॉवर है आप ये ड्रॉवर देख रहे हैं, आपको कुछ खास इसमें नज़र आ नहीं रहा होगा, ये देखिए
बाकी जो सिंपल ड्रॉवर होते हैं उनकी तरह ही है। और अभी मैं आपको ये ड्रॉवर निकाल के जरा दिखा देता हूं। ये ड्रॉवर निकल गया, अब जरा इधर देखिए, ये वाला जो है अभी आप देखिए इसके अंदर में, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला आपको, ये वाला जो खाना है, चोर खाना जिसको बोलते हैं, यानी हाइड लॉकर, ये वाला हिस्सा है। तो जब तक ड्रॉवर नहीं निकालेंगे तब तक ये वाला हिस्सा है वो इसमें कभी भी दिखने वाला नहीं है। इसके लिए ये चोर खाना बोलते हैं, हाइड लॉकर बोलते हैं, इंग्लिश में हाइड लॉकर, हिंदी में चोर खाना। और इसको कर दिया बंद, ये बिल्कुल हो गया फ्लैट। और इसके बाद में इसमें ड्रॉवर है वो वापस डाल देंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या है। और ड्रॉवर को भी लॉक है, तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा तो ये वाला खोल के देखेगा। तो ये जो चीज़ है ये मैं आपको बताने वाला था, खास लिस्ट में है, ये लॉक हो गया। और अभी एक कमेंट आया था कि ड्रॉवर कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं साथ ही आपको बता देता हूं कि मैं कैसे ड्रॉवर बनाता हूं। तो चलिए अभी ड्रॉवर बनाने के लिए देखिए, मैं सबसे पहले जो जब भी ड्रॉवर बनाता हूं उसमें ये वाली और ये वाली और ये तीन साइड है वो, उनको सबसे पहले इसको जोड़ता हूं साथ में, और तीनों को जोड़ के फिर नीचे का जो बॉटम है, ये वाला जो नीचे का बॉटम होता है, ये वाला बॉटम लगाता हूँ। और बॉटम को है वो मैं 1.5 इंच कम से कम बड़ा रखता हूँ, ताकि जब ये माथा इसका लगाएंगे तो वो इससे आगे रहे। तो माथा है लगाने के लिए ये वाला बाद में लगाता हूँ माथा, पहले नीचे का बॉटम लगाता हूँ। फिर बॉटम जब लग गया तो फिर इसको चैनल लगाता हूँ मैं, इसकी जो ये चैनल है साइड में, स्लाइडिंग चैनल जो अपनी टेलीस्कोपिक चैनल बोलते हैं, ये वाले चैनल लगाता हूँ। चैनल लगा के इसको फिट करके ऐसे देखता हूँ, और फिर ये वाला हिस्सा जो है ना, इसमें मैं साइड से इसको मार्क लगा लेता हूँ दोनों साइड से। और फिर जो भी छोटा बड़ा होता है वो साइड को, इसको मार्क लगा के ये साइड को कटिंग कर देता हूँ। और बाद में इसका जो माथा है, हेड है, वो बाद में मैं इसको लगाता हूँ, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग इसकी आएगी, कभी भी है वो आगे पीछे नहीं रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और माथा लगाने के बाद में नीचे अगर इसको जैसे ये खुलने के लिए लगाना होता, तो ये अलग से पट्टी लगाते हैं, नीचे पट्टी लगा देते हैं, जितनी ये जुर्त होती है उतनी अलग से पट्टी लगा के, और ये पूरा माथा बना देते हैं इसका। इस तरह से मैं ड्रॉवर बनाता हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर किया करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।